पाव भाजी बनाने के लिए बाहर से पाव भाजी मसाला लाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम बनाना सीख रहे हैं होममेड पाव भाजी मसाला। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने साबुत सौंफ ली है 2 टेबल स्पून। इसी के साथ ही मैंने लिया है धनिया, साबुत धनिया है 3 टेबल स्पून है लगभग। साथ में जीरा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और मैंने लिया है काली मिर्ची 1 टीस्पून। ये ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची है 3, और 2 छोटी इलायची ली है इसमें मैंने। साथ में कसूरी मेथी और हींग ली है मैंने। तेज पत्ता लिए है मैंने 2 से 3। दालचीनी ली है। इसी के साथ ही आमचूर पाउडर लिया है मैंने। सफेद नमक, सेंधा नमक या नॉर्मल नमक, दोनों में से आप कोई भी नमक ले सकते हो। साथ में काला नमक है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए। हल्दी पाउडर लिया है हमने, और लिया है हमने सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलते हैं गैस की तरफ और हम इससे बनाएंगे पाव भाजी मसाला। तो एकदम लो फ्लेम रखी है मैंने, और जो खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, वो हम डाल देंगे। जैसे जीरा डाल दिया है मैंने, साबुत धनिया डाल दिया है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, बे लीफ। इनको ना मंद मंद आंच पे हम भून लेंगे। साथ में कसूरी मेथी डाली है मैंने। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है, बस इतना कि इसका जो मॉइस्चर है, जो खड़े मसालों में मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि नमी रहेगी तो मसाले ख़राब हो जाएंगे, तो वो नमी हमें ख़त्म करनी है। आप चाहो तो धूप में भी रख सकते हो इन मसालों को। तो मैंने इन्हें हल्का हल्का भून लिया है, और अपना जो खड़े खड़े मसाले दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग कूट लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं दरदरा। क्योंकि जो मिक्सी के जार में डालेंगे सारे मसालों को, तो आसानी से हम पीस पाएंगे, पाउडर फॉर्म में बना पाएंगे। तो दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मैंने दरदरी पीस ली, कूट ली, और वापस से पैन में डाल दिया है। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ मैं। इससे क्या है, कलर अच्छा आता है, तीखी थोड़ी कम होती है ये। और आमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने। साथ में सफ़ेद नमक, वो हम डाल देते हैं, और हम डाल देंगे इसमें काला नमक डालेंगे हम इसमें। हल्दी पाउडर, इसी के साथ ही सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और ये है हमारे पास एवरेस्ट हींग। हींग डालेंगे। हींग आप अच्छी क्वालिटी की डालना, स्ट्रॉन्ग वाली डालना, ताकि मसाले में अच्छी खुशबू आए हींग की। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और मिक्सर के जार में डालेंगे। बारीक पाउडर हम तैयार कर लेंगे, वो होगा हमारा पाव भाजी का मसाला होममेड। तो फटाफट से मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर मैं आपको पीस के दिखाता हूँ डायरेक्ट। ये देखो, ये हमने पाव भाजी मसाला बना लिया है, बिल्कुल जो मार्केट में मिलता है ना, सेम वही मिलेगा आपको। और इसे आप किसी कंटेनर में, किसी जार में, या किसी पॉलीपैक में पैक करके रख देना, और सालों साल आप इसे चला सकते हो पाव भाजी मसाले को। बस नमी नहीं जानी चाहिए इसमें, बाकी आपका पाव भाजी मसाला बिल्कुल तैयार है पाव भाजी बनाने के लिए।